स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर्स ब्रो पे। अभी बहुत बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं। जैसा कि आज सुबह में आपको एक वीडियो मिला था बिहार तकनीकी सेवा आयोग से रिलेटेड, जिसमें BTSC जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2023 अब जो है कि आप सभी के लिए नए नियमावली जारी कर दिया गया है। अब इसमें एक नई बात क्या है, UGC वाले एलिजिबल हैं और अब एग्ज़ाम बेसिस होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए बहुत जल्द आप सभी को सारा अपडेट दे देते हैं। क्या कुछ नया है, पिछले वाले नियमावली से क्या भिन्न है और किन लोगों के लिए ये जो नियमावली है बहुत ही यूजफुल है। तो देखिए, जल संसाधन विभाग द्वारा यह जो है कि अधिसूचना दिया गया और ये जो है कि 7 मार्च 2023, जो कि आज क्या ही अपडेट है, एकदम लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। देख पा रहे हैं संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। यह नियमावली बिहार अवर अभियंत्रण असैनिक यांत्रिक विद्युत संवर्ग नियमावली 2023 का ही जा सकती है। ठीक है, इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और इसका जो जो प्रभाव है तुरंत इसको प्रवृत्त होगी, यानी कि इसको तुरंत से लागू किया जा रहा है। इस सारे विभाग जिस विभाग में भी इसके माध्यम से जूनियर इंजीनियर यानी कनीय अभियंता का जो नियुक्ति होगा, उन विभागों का जो है यहाँ पे नाम दे रखा है। और चलिए, जो हमें बहुत ही यूजफुल पॉइंट है, जानने योग्य है, वो चीज़ का जो है हम लोग बात कर लेते हैं। संवर्ग का गठन क्यों हुआ है? बिहार अवर अभियंत्रण संवर्ग के अधीन मूल कोटि का पद कनीय अभियंता, जिसमें असैनिक, सिविल, मैकेनिकल, विद्युत होगा, जो एक विभागीय स्तरीय संवर्ग होगा। अर्थात अलग अलग विभाग के नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता का संवर्ग एक अलग संवर्ग होगा। नियुक्ति जो होने जा रहा है, इस संवर्ग में नियुक्ति कनीय अभियंता के पदों पर सीधी भर्ती के आधार पर, इस संवर्ग में प्रोन्नति के आधार पर कोई प्रवेश नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो है कि आपके एग्ज़ाम के आधार पे होने जा रहा है, प्रोन्नति के आधार पे नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से आप लोग, पिछला जो नियमावली था उसमें AICTE के बारे में लिखा हुआ था, और वही चीज़ यहाँ भी है कि जो अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक के अनुसूची में जो भी है AICTE के, उन सारे ब्रांच को यहाँ पे जो है मौका दिया जाएगा। और अथवा अगर यूजीसी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित यूनिवर्सिटी अथवा डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड में भी अगर आप असैनिक यांत्रिक विद्युत में अगर अभियंत्रण रखे हुए हैं, डिप्लोमा रखे हुए हैं, तो इसके लिए भी आप जो है कि एलिजिबल हैं। ठीक है, और ठीक है, ये चीज़ है, हो गया, जाने योग्य है। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम बेसिस होने जा रहा है, उसका आपको प्रूफ दे दें कि जो चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली है। चयन की प्रक्रिया, अवर अभियंत्रण संवर्ग के मूल कोटि कनीय अभियंता के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्राप्त अंक, देखिए अब स्पष्ट हो चुका है, यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार के सभी कनीय अभियंता योग्य डिप्लोमाधारी बेरोजगारों के लिए का जीत है। और अब जो है कि अब इसमें सभी योग योग सभी छात्र छात्राएं जो डिप्लोमा कर रखे हैं, उनको मौका मिलने जा रहा है अपने हुनर को दिखाने का, अपने टैलेंट को दिखाकर, और इसमें एक सीट को रिजर्व करने का। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि मूल कोटि कनीय अभियंता के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिक मान्यता के आधार पर प्राप्त अंक के योग की गणना कर किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जो अनुभव जो है, तो पहले बता दिए कि जो इसमें एग्ज़ाम होने वाला है, और एग्ज़ाम का जो है कि आपका 75% मार्क्स ऐड किया जाएगा, और वहीं 25% जो है 25 नंबर जो है आपका आपके अनुभव के आधार पे दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ये पहले भी था, लेकिन पहले जो था एकेडमिक का मार्क्स 75% जुटता था, वहीं अब जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया है कि आप देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम होने वाला है, और साफ साफ तौर पे इसकी बात कह दी गई, आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक। ठीक है, तो यह स्पष्ट हो चुका है और यह बहुत बड़ी अपडेट है, अब बिहार के सभी नौजवानों की जीत है ये। ठीक है, अब आगे देखिए, संविदा के आधार पर समान पद पर किए गए कार्य की अधिमानता के लिए बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन बिहार सरकार के अंतर्गत उपक्रम निगम निकाय प्राधिकार स्वशासी निकाय के कार्यालय में किए गए कार्य अनुभव मान्य होगा, तथा संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता के लिए बिहार राज्य में अवस्थित केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी भी उपक्रम नगर निगम निकाय प्राधिकार स्वशासी निकाय के कार्यालय में किया गया कार्य अनुभव मान्य होगा। या तो बिहार राज्य का या बिहार राज्य के अधीन, या फिर
केंद्र सरकार का या केंद्र सरकार के अंदर जो भी आता है, ठीक है ना, वो बिहार में अवस्थित होना चाहिए, बिहार राज्य में अवस्थित होना चाहिए, उसका ही जो है अनुभव मान होने वाला है। अगर बिहार राज्य से बाहर किसी भी आप केंद्र में किए हुए हैं या किसी स्टेट का है तो अनुभव मान्य नहीं होगा, ठीक है। संविदा के आधार पर कनीय अभियंता के पदों पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी जो इस संवर्ग में भर्ती की अर्हता पूरी करते हैं को चयन में इस नियम के उपनियम 4 के ख के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि आपका जो है देख सकते हैं अभ्यर्थियों की मेगा सूची निम्नलिखित आधार पर बनेगी, तो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक का 75% और आपके जो अनुभव के आधार पर मैक्सिमम 25 अंक को ऐड करके आपके जो है ये बनाया जाएगा, कुल 100 अंक का के आधार पर जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से है। अब देख सकते हैं प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप क्या होने वाला है। तो पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के आयोजन से संबंधित अन्य सभी निर्णय आयोग के द्वारा लिया जाएगा, परंतु आयोग द्वारा आवश्यकता अनुसार एक से अधिक तिथियों सत्रों में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किए जाने पर आयोग विभिन्न तिथियों सत्रों के अंकों का आवश्यकता अनुसार मानकीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन करने में सक्षम होगा। यानी एक से अधिक चरणों में अगर एग्जाम होता है तो उसको नॉर्मलाइज कर वो अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ये परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आपका जो है अब जो है कि प्रतियोगिता परीक्षा होने जा रहा है, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है और सब बिहार के सभी नौजवान डिप्लोमाधारियों का जीत है, या सिविल हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए आप लोग अब इन्जॉय कीजिए, यह नियमावली बन गई है और नियमावली जो है पूरे बिहार में और बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में जेई से संबंधित होगा, जेई के लेवल का जो भी एग्ज़ाम होगा, सब में अब एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब पढ़ना है शुरू कर दीजिए और अब जो वीडियो आएगा, कुछ कुछ वीडियो आएगा जिसमें बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे फॉलो करना है, कहाँ कहाँ से आपका जो है क्वेश्चन आएगा, ये सब कुछ बताने वाला है। बस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसमें अगर कुछ भी और भी रह गया हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाकर आप सभी को अवगत करा देंगे, किसी इन्फॉर्मेशन से अगर हम चूक गए हों तो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। धन्यवाद।